हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्यूटर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही थी जिसमें चला था हमारा स्टोरी का पोर्शन। अब तक हमने आपको जितने भी स्टोरी रूल्स थे हमने आपको सारे क्लियर करा दिए हैं, और अब आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने जा रहा है और अब आपका स्टोरी बनाना शुरू हो चुका है। ठीक है, स्टोरी बनाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान से सुननी होंगी। वो कौन सी बातें हैं जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहली बात होती है कि जैसे कि हम स्टोरी हमको दिखाई देती है तो हम स्टोरी को देख के घबरा जाते हैं। ठीक है ना, घबरा जाते हैं, अपनी पता नहीं कैसे बनेगी, अब क्या होगा, बड़ी समस्या हो जाती है। तो पेपर में हमको स्टोरी बनाने से पहले घबराने नहीं चाहिए। ठीक है, और दी हुई स्टोरी को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, और कौन सा रूल है, और कौन सा नियम है। ठीक है, इसके बाद जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसको वाक्य नुमा तोड़ते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं वाक्य नुमा? जैसे अब तक आपने सेंटेंस बनाए थे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एक वाक्य लिखते थे राम घर जाता है ना, कंटिन्यूअस में अगर राम घर जा रहा है इस तरह से, तो जितने भी उसमें वाक्य होते हैं स्टोरी में हम उसको एक स्टोरी न मान के हम उसको एक एक वाक्य मानेंगे। क्या मानेंगे? एक एक वाक्य, और उसका फिर टेंस निश्चित करेंगे, और यदि टेंस का नहीं है, ये रूल का है, तो उसको रूल निश्चित करेंगे। इसके बाद हम उसको बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो स्टोरी होती है वो पास्ट में होती है, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तभी कोई कहानी बनती है, तो स्टोरी किस में होती है? ज़्यादातर पास्ट में होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट आ जाता है, पास्ट भी आ जाता है, फ्यूचर भी आ जाता है, तो उसके लिए हमको एक एक वाक्य को चुनना पड़ेगा। लेकिन वाक्य को चुनने के बाद क्या होता है कि हम प्रत्येक वाक्य को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ने का क्रम हमको हमने आपको पहले बताया था कि जो हिंदी का जो तरीका होता है वो होता है हमारा कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, कैसा होता है? कर्ता कर्म क्रिया। और इंग्लिश का क्या होता है? कर्ता क्रिया कर्म। इसको मैं देखो आपको तोड़ के बताता हूँ पहले। जैसे कि मान लो कोई वाक्य हमने बनाने से पहले देखो आपको एक तरीका बताएंगे, जैसे कि हम वाक्य दिया हुआ आपका राम घर जाता है। ठीक है, ये वाक्य है। ठीक है, अब क्या है कि इसकी हमको बनानी है अंग्रेजी, तो हम इसमें पहले निश्चित कर लेंगे टेंस करेंगे, टेंस के बाद फिर उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो हमारा तरीका होता है हिंदी का, क्या होता है कि पहले आता है आपका कर्ता, फिर कर्म, और फिर क्रिया, जिसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम वर्ब। ये किसका तरीका? हमारा हिंदी का। किसका है? हिंदी का। राम घर जाता है क्या है? ये कर्ता कर्म क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी वर्ब हो गई। तीनों चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन इसका जो बनाने का तरीका था वो था हम बनानी इसकी इंग्लिश। क्या बनानी हमको इसकी? इंग्लिश। तो इंग्लिश का तरीका अलग होता है। क्या होता है? अंग्रेजी का तरीका क्या होता है उसका? पहले आता है आपका कर्ता, फिर दूसरे नंबर आता है आपका क्रिया, और फिर बाद में पहुंच जाता है आपका कर्म। जैसे वाक्य लिखा था राम घर जाता है, तो पहले कर्ता लिखेंगे, देखो राम लिख दिया हमने। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? क्रिया। क्रिया क्या है आपका? जाता, तो हमने जाता लिख दिया। फिर क्या है? कर्म। ये बाद में आ जाएगा। क्या है? घर। तो जब आप हिंदी की इंग्लिश बनाओगे तो क्या बनाओगे? राम जाता है घर। क्या बनाओगे? राम जाता है घर। पहले राम की लिख दोगे, फिर जाता की लिख दोगे, और फिर घर की लिख दोगे। बन गया? नहीं बन गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आपको इसी क्रम में तोड़ना है। अच्छा, ज़्यादा बड़े सेंटेंस आते तो दिक्कत होती है ना, कि बड़े बड़े सेंटेंस आता तो क्या करेंगे? जब बड़े सेंटेंस आ जाते हैं तो उन वाक्यों को हम अपने भाव के अनुसार, किसके अनुसार? अपने भाव के अनुसार हमने 2 भागों में बांट लेते हैं, फ्रेज और क्लोज में। किसमें? फ्रेज और क्लोज में, है ना। इसमें क्या होता है कि जब बड़ा वाक्य आ जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोहन मोहन खाना लेकर गांव जाता है ना। अब ये थोड़ा सा वाक्य बड़ा हो गया है ना, तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम फ्रेज और क्लॉज को अलग कर लेते हैं। जैसे वाक्य आपका इसमें ये क्या है, ये आपका आ गया इसमें फ्रेज। अब फ्रेज का मतलब क्या होता है कि इस वाक्य से इसका कोई मतलब नहीं है, ये पोर्शन ऐसा है कि चाहे तो हम इसको शुरू में लगा दें और चाहे इसको हम
बाद में ले जाएं, ठीक है ना। और वाक्य क्या है आपका, मोहन गांव जाता है, क्या वाक्य आपका, मोहन गांव जाता है, ये वाक्य है। क्या निकाल दिया आपने, खाना लेकर यहां से हटा दिया। अब आपको ये वाक्य बहुत ही इजी मालूम पड़ेगा, पड़ेगा ना, कहोगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको तो आसान तोड़ लेंगे इसको तो, मोहन जाता है गांव, क्या कह सकते हो, मोहन जाता है गांव। और आपने जो निकाल दिया ये फ्रेज, ये आपका क्या बच गया, ये क्लॉज बच गया आपका। फ्रेज में क्या होता है, सिर्फ उसमें एक ही वर्ब होती है, किसमें, फ्रेज में एक वर्ब होती है, और आपके क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होगा, एच वी भी आ सकती है, एम वी भी आ सकती है, और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है ना। लेकिन फ्रेज में क्या होता है, केवल एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उस पोर्शन को चाहे तो हम शुरू में लगा दें, चाहे हम बाद में लगा दें, आप स्वतंत्र हैं। ये कब है, जब आपके सेंटेंस बड़े बड़े हो जाएं और आपको बनाने में दिक्कत हो, तो उन वाक्यों को आप दो भागों में तोड़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप बनाएंगे इसको तो बना सकते हैं कि मोहन गोज टू विलेज। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे तो इसको शुरू में लगा दो, चाहे बाद में लगा दो। कैसे, टेकिंग फूड हमने बाद में लगा दिया, और हमारा मन कर रहा है कि हम शुरू में लगाना चाहते हैं, तो शुरू में लगा दो इसको, टेकिंग फूड। तो जब आपके बड़े बड़े वाक्य आ जाएं, तो क्या करोगे, उनको फ्रेज और क्लोज में तोड़ लोगे। और जब छोटे छोटे होते हैं, जिसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लेस हो, टाइम हो, ये चीज़ें हो, तो आप उनको क्रम में लगा सकते हो। इसके लिए आपको एक वर्ड रोया करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम शब्द क्रम। क्या बोलते हैं इसको, शब्द क्रम। यदि आपको शब्द क्रम आता है आसानी से, तो आप किसी भी वाक्य को बना सकते हो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट आपका वर्ड होता है, कि पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एच वी लिखते हैं, फिर एम वी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, फिर टाइम, है ना। इस तरह से हमारे जो शब्दों का चयन होता है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें मस्ट होती हैं हमारी, कौन सी वाली, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई आपकी, और ये ऑब्जेक्ट। बाकी का जो क्रम होता है आपका, अगर उसमें कोई आपसे गलती भी हो जाती है कि टाइम आगे आ गया या समय उधर हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय को सभी जानते हैं कि समय क्या होता है, हम सब जानते हैं कि आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या होते हैं, समय होते हैं। तो ये चीज़ें कब आती हैं, हमेशा बाद में आती हैं। और प्लेस में क्या होता है, स्थान, स्थान भी आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, जो चीज़ जगह घेरती है वो हमारी स्थान होती है, जो जगह घेरे, ठीक है ना। तो हम वो भी आसानी से पहचान सकते हैं। और हमें क्रम में क्या लगाना होता है, ये तीन चीज़ें लगानी होती हैं। तो ये था हमारा कुछ बेसिक लॉ, ठीक है, स्टोरी बनाने का। अब हम स्टोरी को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एक टेंस के रूप में बनाएंगे स्टोरी। कैसे बनाएंगे इसको हम, एक टेंस के रूप में कैसे बनाते हैं, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे टेंस आने चाहिए, और जितने भी हमने स्टोरी के रूल लिखाए हैं वो आपको सबको लर्न होने चाहिए। यदि आपको लर्न नहीं होंगे तो आप नहीं बना पाओगे, आपको समस्या दिक्कत आएगी। तो हम एक एक वाक्य को तोड़ते हैं। वाक्य आपका, एक दिन मैं स्कूल से घर आ रहा था। वैसे आपकी पूरी स्टोरी देखो, एक दिन मैं स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में मुझे एक वृद्ध मिला, वह बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों इतने दुखी हो? उसने कहा, मेरा सर्वनाश हो गया है, मेरे सबसे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है, और मैं अब देख नहीं सकता हूँ, और मैं काम नहीं कर सकता हूँ, धन की कमी के कारण मेरा जीवन दुखी है। देखो, ये हमने स्टोरी जो बहुत ही ईजी ली है, बहुत ही छोटे लेवल के लिए है, क्योंकि हमें आपको सिखाना है, क्या है, आपको सिखाना है। ऐसी जैसे समय बीतता जाएगा, स्टोरी आपकी हार्ड होती जाएंगी, क्योंकि आप सीखते जाओगे, हम हार्ड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप पूरी तरह से स्टोरी बनाना सीख जाओगे। तो चलते हैं, पहला है, एक दिन मैं स्कूल से घर आ रहा था। तो एक दिन, तो देखो, एक दिन तो ऐसा कॉमन वर्ड है जिसको हम शुरू में ही लगा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं वन डे, ठीक है। अब वाक्य शुरू होता है आपका आगे से, मैं स्कूल से घर आ रहा था। तो तोड़ेंगे सबसे पहले, मैं आ रहा था स्कूल से घर, ऐसे तोड़ोगे ना, मैं आ रहा था स्कूल से घर, ठीक है ना। अब देखो बनाते हैं, तो पहले क्या बोला हमने, मैं बोला, क्या बोला, मैं, तो मैं बोला, तो मैं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आई। अब देखो टेंस कौन सा है इसमें,
थाती थे आ रहा है, यू नो आप जानते हैं कि थाती थे आए तो उसका प्रयोग करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आई वाज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर आ रहा था, आना देखो हमारी वर्ब है और आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम, सी ओ एम ई। ठीक है, और देखो फिर इसमें क्या आ रहा है, रहा रही आ रही है, तो क्या लगा देंगे इसमें हम, आई एन जी लगा देंगे। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जिन वाक्यों में रहा रही रही आए तो उनमें हम वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। तो वन डे आई वाज कमिंग में आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, स्कूल से। जब किसी चीज से अलग होते हैं तो उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्रॉम। अभी हमने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाई नहीं है क्योंकि हम इसको सिंटैक्स में पढ़ाएंगे, किसमें पढ़ाएंगे, सिंटैक्स में। स्टोरी में हम बता दिया करेंगे कौन सी चीज़ कब आती है, क्योंकि सिंटैक्स में अगर आप पढ़ोगे तो डबल पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम इसको सिंटैक्स में पढ़ाएंगे आपकी प्रीपोजिशन को। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पर कोई शब्द आता है आपका प्रीपोजिशन का तो हम उसको डिफाइन करते चलेंगे, जैसे फ्रॉम का प्रयोग होता है जब कोई चीज़ इससे अलग होती है। तो वन डे आई वाज कमिंग, मैं आ रहा था फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था, स्कूल से। कहाँ आ रहा था, टू बोलिए हाउस, कहाँ आ रहा था, घर आ रहा था। तो वन डे आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल टू हाउस, हम इसको होम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये निश्चित होना चाहिए कि घर किराए का है या परमानेंट है। अगर घर किराए का है तो हम होम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में बड़ा संशय होता है कि होम लगाएं या हाउस लगाएं, आप स्वतंत्र हो लगा सकते हो, लेकिन जब क्लियर हो जाए कि ये घर किराए का है तो फिर होम लगाओगे, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप हाउस लगाओगे। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया, अब एक सेंटेंस क्लियर हुआ। अब दूसरा है, रास्ते में मुझे एक वृद्ध मिला, पहले टेंस पहचानेंगे, मिला आ ई ए आए तो कौन सा होता है, पास्ट में अपने होता है, पहचान लिया, तो किसे मिला, मुझे, तो आई सेकंड फॉर्म आएगी ना, मीट होती है आपकी मिलने की डबल ई टी, लेकिन जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो उसकी एक ही कम हो जाती है, क्या हो जाती है, उसकी एक ही कम हो जाती है, तो आई मीट, मुझे मिला, कौन मिला, एक वृद्ध, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी मिला, कहाँ मिला, रास्ते में, प्लेस है ना, हमने क्या बताया था, कोई जगह होती कहाँ थी, बाद में आती है, तो मुझे मिला एक वृद्ध व्यक्ति, कहाँ मिला, रास्ते में, इन द वे। ठीक है, दो सेंटेंस क्लियर हुए, तोड़ेंगे कैसे, मुझे मिला एक व्यक्ति रास्ते में, ऐसे तोड़ते हैं इसको, है ना, वह बहुत दुखी था, तीसरा वाक्य आ गया आपका, वह बहुत दुखी था। अब देखो ये कौन सा वाक्य है, हम पहचानते हैं, देखो था थी थे आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का हो गया, है ना। अब कुछ आगे देखें तो इसमें कोई भी टेंस नहीं आ रहा है हमारा, ना ता है आ रहा है, ना चुका आ रहा है, ना रहा आ रहा है, तो जब कोई भी टेंस ना दिया हो तो वो होता है हमारा सिंपल पास्ट, क्या होता है, सिंपल पास्ट। और ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम करते हैं, था थी थे आए तो बाजवल लगाते हैं, है हूँ हूँ आए तो इजारम का प्रयोग करते हैं, और होगा होगी आए तो हम विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन हमारा क्या इसमें था आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, तो ही वाज, वह था, क्या था, बहुत दुखी, ही वाज वेरी सैड। ठीक है, क्लियर, हम तोड़ेंगे कैसे, वह था बहुत दुखी, है ना, वह था बहुत दुखी। आगे है, मैंने उससे पूछा, अब क्या आ गया, देखो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, हमने आपको बताया था ना कि जब कोमा दिया हो, इन्वर्टेड कोमा दिया हो तो क्या होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो जैसे हमने आपको इसमें दो बातें बताई थी कि आप स्वतंत्र हो, चाहे इसको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाओ चाहे इसको डायरेक्ट फॉर्म बनाओ, लेकिन हमने आपसे एक बात कही थी कि जब भी वाक्य आपका हिंदी स्टोरी में आता है तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्म में बनाना, क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कतों से बच जाओगे, क्योंकि जब इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो हमको डायरेक्ट नेट के सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं उसमें, लेकिन जब रूल फॉलो करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट फॉर्म में ही। और डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, जैसा लिखा है वैसा बना देना। तो मैंने उससे पूछा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, हम डायरेक्ट फॉर्म बना रहे हैं, वैसे पूछने की आस्कड होती है लेकिन हम किस में बना रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट में बना रहे हैं, तो आई सेड टू हिम, मैंने पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
फिर क्या है, तुम क्यों इतने दुखी हो। देखो हैव हु आ रहा है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो हाँ इसका हम बाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्यों किया जाएगी, वाई आर यू। अब इतने की अंग्रेजी क्या होती है, सो होती है, क्या होती है, सो। तो वाई आर यू सो सैड, फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क और कॉमा क्लोज। वसंत आई सेड टू हिम कॉमा एंड कॉमा वाई आर यू सो सैड, उसने मुझसे पूछा तुम क्यों इतने दुखी हो, उसने कहा, उसने कहा, तो ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म बनाओगे, मेरा सर्वनाश हो गया है, मतलब कौन सी बात वाली आ गई है, ये आपकी दुख वाली बात आ गई, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, एलास का, आई एम रूइंड, मतलब मैं बर्बाद हो गया हूँ, ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके बाद है मेरे सबसे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है, तो मेरे सबसे बड़े पुत्र ने, ये सब्जेक्ट हो गया, मेरे सबसे बड़े पुत्र ने फिर क्या है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है किसे, मुझे। तो जैसे मैंने बोला है पहले, क्या बोला, मेरे सबसे बड़े पुत्र ने, तो कह सकते हैं कि माई एल्डेस्ट सन हो गया मेरा सबसे बड़ा पुत्र, मेरे सबसे बड़े पुत्र ने क्या है, छोड़ दिया है, लिया है, दिया है, चुका है, कौन सा टेंस है आपका, परफेक्ट होता है प्रेजेंट, तो क्या करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करते हैं, तो एक ही है ना, तो क्या लगा देंगे, माई एल्डेस्ट सन हैज, छोड़ने की लीव होती है और इसमें थर्ड आए तो क्या आएगी, लेफ्ट हो जाएगी, तो माई एल्डेस्ट सन हैज लेफ्ट किसे छोड़ दिया है, मी, कोई दिक्कत, और मैं अब देख नहीं सकता हूं, और के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंड का, एंड, और मैं सकता हूं नहीं देख, और अब, तो आई कैन नॉट सी नाउ, कोई परेशानी, मैं नहीं सकता हूं देख अब, आई कैन नॉट सी नाउ, और मैं काम नहीं कर सकता हूं, क्या है, और मैं काम भी नहीं कर सकता हूं, तो एंड, अगर हम यहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखो इस बात को, अगर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं तो हम कैपिटल लिखेंगे, अगर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं तो हम स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है ना, तो हमने फुल स्टॉप लगाया तो क्या करेंगे, ए बड़ा बनेगा, एंड आई कैन नॉट डू द वर्क, मैं काम भी नहीं कर सकता हूं, धन की कमी के कारण मेरा जीवन दुखी है। अब वही बात आ गई, फ्रेज वाली बात आ गई, ड्यू टू अकाउंट ऑफ, बहुत सारी अंग्रेजी होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो के कारण, जैसे हम डी टू लगाएंगे, जब आपको हम प्रीपोजिशन पढ़ा देंगे तो सारी चीजें आपको लिखा देंगे, ड्यू टू ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी, तो ड्यू टू माने के कारण, किसकी, शॉर्टेज ऑफ मनी, धन की कमी के कारण क्या है, मेरा जीवन दुखी है, तो मेरा जीवन है बहुत दुखी, ऐसे कह सकते हैं, कारण माई लाइफ इज वेरी सैड, ठीक है, इस तरह से देखो। अब कितनी भी बड़ी स्टोरी आ जाए, कितनी भी हार्ड स्टोरी आ जाए, हमको क्या आना चाहिए, हमको उसको तोड़ने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्टोरी को तोड़ नहीं पाएंगे हम उसको बना नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कौन सी जरूरी है, आपको प्रत्येक टेंस की पहचान और एच भी याद होनी चाहिए, है ना, इसके बाद आपको जितनी हमने यूजेज लिखाए हैं आपको, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आप उसको बना सकते हो। एक समस्या और आएगी आपको मीनिंग की, ठीक है, वो समस्या हमें आपको बताते रहेंगे, वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग आपको याद होने चाहिए, है ना, कुछ वर्ड और लिखाएंगे जो स्टूडेंट में दिक्कत करते हैं, उनको हम चार्ट के रूप में आपको लिखा देंगे, ठीक है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, और कल फिर दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।